हेलो फ्रेंड्स, आप लोग तो बहुत ही फ्राइड राइस खाए हैं। एक बार मेरा जैसा जरूर ट्राई करके देखिए, जो खाने में बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट और सबसे अलग स्वाद है। तो चलिए, आप लोग मेरा वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, जया किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं फिर एक न्यू रेसिपी लेके। आज का रेसिपी न्यू है, तो चलिए आज का रेसिपी हम शुरू करते हैं। आप लोग मेरा वीडियो के साथ बने रहिए। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम सबसे पहले आवड़ा चावल, मूंग दाल और मसूर दाल इसको धो के अच्छा से हम साफ करके रख लिए हैं। उसके बाद हम बनाने के प्रोसेस में जाएंगे। तो बनाने के लिए हम यहाँ पे ले लिए हैं कढ़ाई। कढ़ाई में हम दे दे रहे हैं रिफाइंड तेल। उसमें तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें हम दे देंगे तेज पत्ता और देंगे गोटा गर्म मसाला, जिसमें लौंग, इलायची और दालचीनी। और ये सब थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद उसमें दे देंगे, उसके बाद दे देंगे प्याज, लंबाई में हम काट के रखे हैं। ये सब को हम अच्छा से भून लेंगे। जैसे मेरा प्याज भुंजा गया, देखिए इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है प्याज को। उसके बाद हम इसमें दे देंगे धोया हुआ दाल चावल, जो हम धो के साफ करके रखे थे वही हम ले लिए हैं। उसके बाद इसको फ्राई कर लेना है, चावल दाल सब कुछ को अच्छा से। तो फ्रेंड्स, आप लोग तो बहुत ही रेसिपी खाए हैं, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी भी बनता है। उसके बाद इसमें हम दे रहे स्वाद अनुसार नमक, दे के हम फ्राई करेंगे। हम तो घर में बहुत ही बार बनाए हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, इसीलिए हमको लगा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करें। तो इसीलिए आज हम वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो दाल चावल हम अच्छा से यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें अभी, जैसे देखिए मेरा फ्राई हो गया है, इस पर अभी हम पानी डालेंगे। पानी जो डालेंगे यहाँ पे गर्म पानी डालेंगे, जितना हो सके गर्म पानी डालिए, ठंडा पानी बिल्कुल मत डालिए, नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा। तो गर्म पानी हम डाल रहे हैं, जैसे फ्राई राइस में आप लोग डालते हैं जितना चावल उससे एक गुना ज़्यादा पानी। तो इसीलिए हम जिसमें जिस बाटी में हम एक बाटी दाल और चावल मिला के लिए थे, उसी बाटी में हम पानी ले लिए दो बाटी, या थोड़ा सा हम कम लिए हैं। तो देखिए गर्म पानी इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद इसको कुक होने का इंतज़ार करेंगे। तो देखिए मेरा इसे कुक हो रहा है, इसका पानी को नहीं फेंकना है, इसी में सुखाना है और एकदम फ्राई राइस जैसा इसको बनाएंगे। तो इसका नाम अभी हम दिए हैं दाल फ्राई राइस। आप लोग तो बहुत ही फ्राई राइस खाए हैं, एक बार इसे बनाकर देखिए, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। दाल चावल हर रोज़ जब हम लोग खाते खाते बोर हो जाते हैं, तब इस रेसिपी को ज़रूर एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। तो देखिए मेरा पानी सूखने वाला है, थोड़ा थोड़ा पानी है, इसको धीरे से इसको चलाना है, नहीं तो चावल टूट जाएगा तो अच्छा नहीं बनेगा, एक दूसरे से चिपक जाएगा। तो देखिए इसको अच्छा से अभी चलाना है, पानी को अच्छा से सुखा लेना है। तो देखिए मेरा होने ही वाला है, चावल तो पक गया है, सिर्फ थोड़ा सा पानी है, उसको सुखा लेना है। तो देखिए मेरा पानी सूख गया है, अभी इसको अभी हम उतार लेंगे या तो साफ करेंगे। तो देखिए हम ले लिए हैं अपना पसंद का सब्जी से, आप लोग खाइए। यहाँ पे हम फूलगोभी का सब्जी लिए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा बना है मेरा रेसिपी? आई होप कि आप लोग को मेरा रेसिपी अच्छा लगा है। तो लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए मेरा रेसिपी कैसा बना है। आप लोग भी एक बार इसे ट्राई कीजिए और खा कर देखिए, सही में बहुत अच्छा लगता है। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे कोई न्यू रेसिपी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।